नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019, उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक 26 फरवरी 2019, आपको याद है ना? कैसे कोहराम मचा था पाकिस्तान में, कैसे इमरान खान संसद में रोए थे कि वो तो भारत हमला करने वाला था, किसी तरीके से टल गया और हमारे अभिनंदन को तत्काल रिहा किया गया था। लेकिन हमारे ही बीच के कुछ पत्रकारों की कारस्तानियों से भारत की किरकिरी हो रही है। आपको याद होगा, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी अभी आत्महत्या के उकसाने के मामले में जेल गए थे, तब भी कोहराम मचा था। और उसके बाद एक टीआरपी विवाद आया, यानी कि वो विवाद ये था कि किस तरीके से कुछ चैनल्स ने टीआरपी को मैनेज किया, उसमें रिपब्लिक टीवी का भी नाम आया। और उसी अब डिस्प्यूट में मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है 1000 पन्नों की। उसमें खुलासा हुआ है, जो एडिटर इन चीफ हैं अर्णव गोस्वामी और बार्क के जो तत्कालीन सीईओ थे पार्थो दास गुप्ता, उनके चैट से। क्या इसकी सच्चाई है, हम ये दावा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बताया गया है, बहुत सारी बातों का खुलासा है, मिनिस्टर बनाने से लेकर के, जस्टिस बनाने से लेकर के, और न जाने क्या क्या आपस में पत्रकारों की जो राजनीति होती है, किसका कद ऊँचा हो रहा है, किसका नीचा हो रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, पीएमओ में बात करेंगे, वगैरह वगैरह, बहुत सोशल मीडिया पर एकदम संग्राम छिड़ा हुआ है। लेकिन अब ये मामला जो है वो पहुंच गया है पाकिस्तान। मैं आपको बताऊं कि उस पूरे प्रकरण के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान UNGA यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा होती है, उसकी बैठक में कुछ इसी तरफ उन्होंने इशारा किया था। पाकिस्तान का ये राग शुरू से रहा और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसमें प्रकरांतर से इसी तरफ इशारा करती रही है। जो चैट वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे अर्णव गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता का, उसमें भी यही संकेत दिया जा रहा है कि जैसे कि अर्णव गोस्वामी को पहले से पता है, पुलवामा अटैक और बालाकोट स्ट्राइक उनको टीआरपी देगी टाइप की बातें की जा रही है। हालांकि ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है जैसे कि वो सब कुछ जान रहे हों, लेकिन यदि कोई पत्रकार एक अधिकारी से ये चैट करता है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, फिर हो जाता है तो संदेह पैदा करता है। अब इमरान खान को मौका मिल गया है। इमरान खान ने ट्वीट किया है कि हम तो पहले से कहते रहे हैं कि मोदी की जो फासिस्ट सरकार है उसने बालाकोट पुलवामा का इस्तेमाल अपने चुनावी फायदे के लिए किया, और देखिए अब वहीं से ये बात आ रही है। यानी कि इस प्रकरण से कहीं ना कहीं देश की किरकिरी हो रही है। कांग्रेस को भी वार करने का मौका मिला। अब ठीक है कि बीजेपी कांग्रेस और पाकिस्तान को जोड़ती रही है, वो जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस तरीके का चैट और इस तरीके से कोई पत्रकार ये दावा करे कि पीएमओ में बात करेंगे, उनको पहले से पता है, निश्चित रूप से ये हमारी व्यवस्था के लिए घातक है और जवाब इसका कुछ नहीं हो सकता। हालांकि रिपब्लिक टीवी की तरफ से भी बयान आया है कि जो है हम पाकिस्तान के ISI और आतंकवादी गतिविधियों का खुलासा करते रहे, उजागर करते रहे, इसलिए वो तो मौका देख रहा है, अनाप शनाप आरोप लगा रहा है। लेकिन आरोप लगाने का मौका मिला कहाँ से? आप उस वायरल चैट में देखेंगे कि ये सारी बातें की गई है। अब वो चैट कितना सही है, कितना गलत है, मुंबई पुलिस ने किस आधार पर कैसे कहाँ से उसे हासिल किया, और कोर्ट का हिस्सा यदि बनाया है तो निश्चित रूप से उसने भी ठोक बजा के बनाया ही होगा। तो पाकिस्तान को अब मौका मिल गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे वार करने के। ठीक ऐसे ही वहाँ की आर्मी भी बोल रही है, क्योंकि उनको तो बोलने का मौका किसने दिया, इस चैट ने दिया। जैसे जैसे ये चैट वायरल हो रहा है, वैसे वैसे ये सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से ये एक पत्रकार जो है सरकार के अपनी जेब में रखने का दावा कर सकता है, सारी बातें जानने का दावा कर सकता है, किसी को उठाने और गिराने का दावा कर सकता है, अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये वाकई में व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, जब वो अर्णव गोस्वामी जेल गए थे तब दो भाग में एक तरह से लोग सोशल मीडिया पर बट गए थे, और एक सपोर्ट कर रहा था, एक विरोध कर रहा था, लेकिन इस मसले में कौन उनका सपोर्ट करेगा, कैसे वो ये दावा कर सकते हैं? देखते हैं कि विवाद कहां जाकर के थमता है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।